बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हिंदी आपके साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि सऊदी अरबिया रमजान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और ईद उल फितर की आमद आमद है। इस वीडियो में शेयर करूंगा ईद उल फितर की छुट्टियों के हवाले से जो सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया गया है तमाम तर सरकारी अदारों को और प्राइवेट सेक्टर को, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है मुसस्सा और कंपनीज वगैरह भी आती हैं। आप भाइयों को इस ईद के ऊपर कितनी छुट्टी दी गई है सरकारी तौर पर, आपको इन दिनों में भाई काम बिल्कुल नहीं करना होगा, आप घर पर रेस्ट करेंगे। अगर आप इन दिनों में काम पर कहीं भी जाते हुए पकड़े गए तो आपको फाइन होगा, ये पहले मैं क्लियर कर दूं। हाँ, इसके बरक्स यानी कि इसका दूसरा रुख अगर देखें, वो बंदे तमाम वो खारजी भाई जो यहां पर अपनी योमिया के तौर पर काम करते हैं, अपनी दिहाड़ी वगैरह के तौर पर काम करते हैं और कुछ ठेकेदार हैं किसी काम का ठेका वगैरह लेते हैं और बंदों को साथ लेकर जाते हैं वहां पर काम करवाते हैं उनसे, तो वो अंडरग्राउंड काम उनका चल जाता है। वो कोई काम उनका जो फंसा हो या सऊदी से उन लोगों ने कोई बातचीत की हो तो उसको भाई वो कर सकते हैं क्योंकि वो योमिया के तौर पर काम कर रखे हैं। दूसरी तरफ अगर कंपनी या मुसस्सादात के कोई बंदे हैं जी जो यहां पर मुकीम है खारजी भाई, तो भाई वो काम पर इन दिनों में मत जाइएगा, आपके लिए कोई मुश्किल हो सकती है। सबसे पहले अगर छुट्टियों की बात करें सरकारी इदारों को कर, तो इनको भाई 24 रमजान से 5 शवाल तक छुट्टियां, यानी कि इस जुमेरात से जो आ रही है इस जुमेरात से इनको छुट्टियां होंगी जी, और 5 शवाल तक ईद के 5 दिन बाद तक ये छुट्टियां रहेंगी उनकी। और दूसरी तरफ अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें जिनमें मुसस्सा और कंपनीज वगैरह आती हैं, तो इनमें भाई सिर्फ और सिर्फ इनको 4 दिन की रेस्ट दी गई है और 29 रमजान की इनको ड्यूटी करनी होगी। 29 रमजान की ड्यूटी के बाद यानी कि 30 को अगर भाई पहली हुई या शवाल होगी तो ईद होगी, अगर नहीं तो रोजा भी हुआ तो इनको छुट्टी होगी, यानी कि 29 रमजान तक आपको ड्यूटी करनी होगी। उसके बाद आपको छुट्टियां हैं जी 4, 30, 1, 2, 3, यानी कि 4 दिन की आपको छुट्टी दी गई है इस बार। इसमें अगर पहले मैं आपको बता दूं कोई जुमा आ जाता है तो वो जुमे की छुट्टी इसमें कास्ट नहीं की जाएगी। अगर जुमा इसमें आ जाता है इस दौरान, तो भाई आपको ये छुट्टियां 5 कर दी जाएंगी, ये अपने जहन में रखिए।